सो अप यूट्यूब दिस इज गणेश एंड वेलकम बैक टू माई चैनल और आज हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट बाइक्स अंडर वन लाख रुपीज और इस कंपेरिजन के अंदर मैंने सिक्स बाइक्स को लिया है और इन छः बाइक्स का प्राइस सेवेंटी फाइव थाउजेंड से लेके नाइन्टी फाइव थाउजेंड के बीच में है सो लेट्स द कम्पेरिजन ऑल राइट सो कम्पेरिजन में हमारी सबसे पहली जो बाइक होगी वो होगी होंडा की एस पी वन ट्वेंटी फाइव इसकी जो पावर है वो अराउंड टेन पॉइंट सिक्स बी एच पी है और इसकी जो टॉर्क है वो 10.9 है जो कि प्रीवियस बी एस फोर मॉडल्स है दोनों भी बढ़ा चुके हैं ये लोग स्पेशली थैंक्स टू फ्यूल इंजेक्शन और इसका जो टैंक है वो मुझे लगता है थोड़ा छोटा है 10.5 पॉइंट लीटर्स पे जिसमें आपको 0.8 पॉइंट लीटर्स का रिजर्व कैपेसिटी है और नाइन पॉइंट लीटर्स का एक्चुअल यूजेबल फ्यूल है और क्योंकि ये बाइक्स बी एस सिक्स हैं तो इनके अंदर सबके अंदर मोस्टली फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होगा तो इन इनके जो टैंक होते हैं उनके अंदर फ्यूल का पंप होता है ख़ुद का ये जो फ्यूल का पंप है ये गर्म होता है और इसको ठंडा रखने के लिए वही ज़ीरो पॉइंट एट लीटर्स का जो फ्यूल होता है वही काम आता है तो ये एक रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से कि हो सके तो रिज़र्व में मत यूज़ करिए अपनी बाइक को और नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं जो कि है माइलेज इस बाइक का माइलेज अराउंड सिक्सटी फ़ाइव आपको मिल जाएगा कंबाइंड सिटी एंड हाईवे और इसके हिसाब से इसका जो टैंक रेंज है वो सिक्स हंड्रेड किलोमीटर्स के आसपास है और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी थोड़ी कम लगती है मुझे वन सिक्सटी एम पे आ, इसका जो वेट है वो काफ़ी अच्छा है वन हंड्रेड एंड सेवनटीन किलोज ओनली ये पूरे कंपैरिजन के अंदर इस बाइक का वेट सबसे कम है उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी एडवांस है और इसकी वजह से इनका जो चेसिस का वेट होता है वो काफ़ी कम होता है नेक्स्ट हमारा जो है नंबर ऑफ़ गेयर्स इसमें है पाँच गेयर और पाँच गेयर का यही फ़ायदा है कि आप हाईवे पर थोड़ा हायर स्पीड्स पर आप क्रूज़ कर सकते हैं प्राइस की तरफ देखें तो नाइन्टी फाइव थाउजेंड फॉर डिस्क वेरियंट जो कि इस पूरे कंपेरिजन में सबसे हाइस्ट प्राइस है और मुझे लगता है ये थोड़ा ओवर प्राइज हो गया है Max to max, अगर ये के आसपास होता तो काफी अच्छा होता लेकिन गेर तो पोजिशन है, जैसे है और टेल लाइट्स और इसका जो पूरा है, वो हो चुका है इसलिए इसकी जो प्राइस है वो काफी ज्यादा बढ़ा चुके हैं ये लोग नाइन्टी फाइव थाउजेंड सो नेक्स्ट बाइक की अब बात करते हैं पल्सर वन ट्वेंटी फाइव ये है पल्सर की सबसे स्मॉलेस्ट कैपेसिटी बाइक और इसका आप टॉक देख सकते हैं इलेवन पॉइंट सिक्स का टॉर्क है इसका एट 6500 ओनली मेरे पास जो है है उसका अराउंड का टॉर्क तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा पार है इलेवन बी एच पी का और नेक्स्ट जो हमारा है वो है टैंक जो टैंक साइज है वो इस पूरे कैटेगरी में सबसे ज्यादा का है 15 लीटर्स का टैंक है एक 125 सीसी की बाइक का ये एक्चुअली 150 का ही पूरा बॉडी है इस बाइक का इसलिए इसका जो टैंक वगैरह का साइज है वो भी सब सेम है सिर्फ इंजन मुझे लग रहा है इन लोगों ने पावर कम कर कर डाल दिया है इस बाइक में इसका जो वेट है वो काफी क्लोज टू पल्सर वन कैटेगरी का है वन फोर्टी का इसका वेट है अब माइलेज पर वापस आते हैं माइलेज जो है फिफ्टी का है थोड़ा कम है लेकिन जितना ये पावर प्रोड्यूस करती है इसको आप आराम से सिटी और हाईवे लॉन्ग राइड्स के लिए आराम से यूज कर सकते हैं उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा प्लस इसका जो टैंक रेंज है वो इस पूरी कैटेगरी में सबसे ज्यादा है सिक्स का इसमें भी मैं वही बोलना चाहूंगा कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है रिजर्व में हो सके तो मत चलाइए क्योंकि इससे आपका पंप खराब होने का चांस ज्यादा होता है जितना इसका यूजेबल ट्वेल्व पॉइंट लीटर्स है उसमें ही गाड़ी चलाइए उससे आप सिक्स हंड्रेड किलोमीटर्स का रेंज निकाल पाएंगे आराम से और इसमें आप देख सकते हो जितने भी मैंने रेंज लिखे हैं ये सारे यूजेबल फ्यूल रेंजेस हैं 9.7 है इसका और इसका ट्वेल्व पॉइंट फाइव है जाने को तो बाइक और जाएगी बट वो इमरजेंसी के लिए ही रखी है नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं ग्राउंड क्लियरेंस जो कि इस बाइक का है हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव एम एम जो मुझे लगता है कि स्टिल कम है थोड़ा शाइन का इससे भी कम है बट इसका भी कम ही है 165 के आसपास और इसमें भी अराउंड पांच गेयर आ जाते हैं और इसकी जो प्राइस है वो एस पी वन ट्वेंटी फाइव से फोर थाउजेंड कम है फॉर द डिस्क वेरियंट जो कि काफी कॉम्पिटेटिव प्राइस है कम्पेयर टू सामने वाली बाइक से क्योंकि सामने वाली बाइक की पावर कम है टॉर्क come on टैंक रेंज भी कम है सो बजाज इज स्टिल देयर बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक्स अब हम जाते हैं हमारी थर्ड बाइक की तरफ जो है हीरो ग्लैमर हीरो ग्लैमर का अगर आप देखेंगे तो जो टॉर्क है वो काफी सिमिलर है हॉन्डा एस पी वन ट्वेंटी फाइव से और इसका जो बी एच पी है वो एग्जैक्टली exactly सेम है एस पी वन ट्वेंटी फाइव से मुझे तो डाउट होता है कि कहीं ये लोग सेम इंजन ना यूज कर रहे हूँ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टैंक टैंक अगर आप देखने जाए तो टेन लीटर का इसका फ्यूल टैंक है और जो रिजर्व कैपेसिटी है वो भी वन पॉइंट फोर की है तो यूजेबल जो फ्यूल आता है वो एट पॉइंट सिक्स का ही है और इसका जो माइलेज है वो भी एस पी से थोड़ा कम है सो so, इसका जो टोटल टैंक रेंज है वो भी 516 का है जो कि काफ़ी कम है कम्पेर्ड टू बाकी दो ऑफरिंग्स में और ग्राउंड क्लियरेंस की जहाँ पे हम बात करते हैं इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है कम्पेयर टू बाकी दोनों बाइक्स से तो अगर आप इसको बैड रोड्स पे यूज़ करने का सोच रहे हैं तो ये ज़्यादा अच्छा डील होगा आपके लिए अब जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है वेट वेट भी इस बाइक का ठीक ठाक ही है 122 ट्वेंटी टू मोस्टली जो बाइक्स हैं इस कैटेगरी में वन ट्वेंटी टू ही है वन ट्वेंटी टू टू वन ट्वेंटी फाइव और सिर्फ पल्सर एक ऐसी है जो जिसका वेट बहुत ज़्यादा है इसका नंबर ऑफ गेयर भी फाइव है और इसकी जो प्राइसिंग है वो पल्सर से फोर थाउजेंड लेस है शाइन से एट थाउजेंड लेस है काफ़ी अच्छी डील है ग्लैमर भी बट uh, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर आपका मेन यूज़ के सिटी में है तो आप इस बाइक को ज़्यादा पसंद करेंगे क्योंकि बाकी बाइक्स में काफ़ी अच्छी ऑफरिंग है फॉर द प्राइस अब चलते हैं नेक्स्ट बाइक की तरफ जो है सुपर स्प्लेंडर सुपर स्प्लेंडर की जो पार और टॉर फिगर्स हैं वो काफ़ी सेम है ग्लैमर से आ, ग्लैमर और शाइन दोनों से एक्चुअली मुझे लग रहा है इन लोगों ने शायद सेम ही इंजन यूज़ किया है और जो टैंक है स्प्लेंडर का वो अराउंड 12 लीटर है जो कि पल्सर के बाद सेकंड मोस्ट टैंक कैपेसिटी है और इसकी माइलेज भी अराउंड 60 की है जो कि सेम है ग्लैमर ग्लैमर के कंपैरिजन में क्योंकि इसका टैंक टैंक ज्यादा ज्यादा बड़ा है 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 से इसलिए इसकी जो रेंज है, वो भी काफी अच्छी क्लोज टू पल्सर अगर आप देखने जाएंगे तो और सिक्स का है बस बीस का फर्क है आ, दिस इज स्पेशली बिकॉज ऑफ बिगर टैंक नेक्स्ट जो आता है पॉइंट वो है ग्राउंड क्लियरेंस का वन एटी का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है जो की काफी अच्छा है सेम एज ग्लैमर और नेक्स्ट इसका जो वेट है वो भी सेम एज ग्लैमर है लाइटर देन पल्सर बट हैवियर देन एस पी वन ट्वेंटी फाइव और इसका जो टोटल नंबर ऑफ़ गेयर्स है वो भी पांच है सो so, वहाँ पे टेंशन की कोई बात नहीं है और इसकी जो प्राइसिंग है वो ग्लैमर से वन थाउजेंड कम है सो so, अगर आप एस पी वन ट्वेंटी फाइव से कंपेयर करेंगे तो नाइन थाउजेंड का डिफरेंस आ जाता है अब नेक्स्ट बाइक की तरफ चलते हैं जो कि है प्लाटीना हमारी बजाज की प्लाटिना एच जो कि काफ़ी चीप है मतलब सेवेंटी सेवन थाउजेंड में आपको इसका डिस्क वेरिएंट मिल जाएगा और ये मतलब मिनिमम बजट की तरफ हम लोग जा रहे हैं अभी मैक्स से हम लोगों ने शुरुआत की थी नाइनटी फाइव से और अभी मिनिमम की तरफ जा रहे हैं जो कि यह सेवेंटी सेवन का टॉर्क की बात करते हैं नाइन पॉइंट एट वन का टॉर्क है इस बाइक के अंदर जो कि फाइव थाउजेंड आर पी एम पर ही आ जाता है अगर आप देखने जाए तो बाकी सारी बाइक्स को मोस्टली सिक्स थाउजेंड आर पी एम लगता है लेकिन ये एक ऐसी बाइक है जिसको सिर्फ फाइव थाउजेंड आर पी एम पर मैक्स टॉर्क आ जाता है आ, सो मतलब आपको ज़्यादा आपको एक्सेलेटर देने की ज़रूरत नहीं है पावर प्रोड्यूस करने के लिए हालांकि इसका जो पावर है वो काफ़ी कम है एट पॉइंट थ्री बी एच पी ओनली अगर आप बाकी में देखने जाएं तो क्लोज टू 11 है और इसमें सिर्फ 8.3 है लेकिन अगर आप प्राइसिंग के हिसाब से देखें तो 77 और 95 में ऑलमोस्ट बीस हज़ार का फर्क है सो वी कांट कम्प्लेंट ओवर दै और अब टैंक रेंज की बात करते हैं 11 का इसका जो है वो टोटल कैपेसिटी है और यूजेबल जो इसका फ्यूल है वो अराउंड नाइन लीटर्स का है तो टू लीटर्स आप रिजर्व के लिए रखिए और नाइन हमेशा यूज़ कर सकते हैं आराम से ये फ्यूल इंजेक्टेड नहीं है ये इसका एक स्पेशल कार्बोरेटर है इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर अब माइलेज की तरफ आते हैं जो कि है 65 का मैंने इसको ग्रीन इसलिए नहीं किया है क्योंकि अगर आप शाइन एस पी आप कंपेयर करें तो एस पी 10.6 ट्वेंटी की पावर है फिर भी वो 65 का माइलेज दे रही है और इसमें 8.3 का पावर है फिर भी ये सेम माइलेज दे रही है एज कम्पेयर टू एस पी तो ये एक मतलब डाउन साइड है इसका एटलीस्ट अगर 70 के आसपास होता तो मैं इसको ग्रीन कर सकता था आ, जैसा कि आप देख सकते हैं रेंज जो है वो भी है कंपेयर्ड टू एस पी वन ट्वेंटी फाइव एंड पल्सर एंड ऑल्सो स्पलेंडर और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा है टू हंड्रेड एम एम आप आप लिटरली इसको आप कहीं भी आप लेके जा सकते हैं ऑफ रोडिंग ट्रेल्स पे बैड uh, रोड्स कोई टेंशन नहीं होगा आपको स्क्रैप करने का बेली को इसका जो वेट है वो भी सेम एज स्पलेंडर एंड ग्लैमर है 122 ट्वेंटी टू किलोस ये एक अच्छी बात है इसकी कि ये एच गियर है जो कि मतलब इसके अंदर पांचवा गियर है तो अगर आप हाईवे पे अगर आप क्रूज कर रहे हैं तो आपको वो पांचवा गेयर काफी काम आ सकता है और इसकी जो प्राइसिंग है ऑफकोर्स वो ग्रीननेस में अच्छा पॉइंट है 77 में आपको इतना फीचर्स दे रही है ये गाड़ी नेक्स्ट बाइक जो है वो है टीवीएस स्टार सिटी प्लस इसके बारे में मैं आपको बस इतना ही बताना चाहूंगा कि काफी सस्ती बाइक है 76,000 में इसका ड्रम वेरिएंट आता है ये एक टेंशन की बात है इसमें कि इसमें डिस्क वेरियंट प्रोवाइड नहीं करती टीवीएस और इसके अंदर सिर्फ चार गेयर है तो अगर आप सच में अगर बहुत ही बजट कंस्ट्रेंड है तो ही आप लीजिएगा इसको वरना प्लेटिना मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर ऑप्शन है अगर आप सेवेंटी एटी के इसमें अगर आप देख रहे हैं तो इसका जो इसका जो माइलेज है वो भी काफी अच्छा है ओनर क्लेम 70 का माइलेज है इसका लेकिन इसका जो टैंक रेंज है वो काफी कम है क्योंकि इसका जो टैंक कैपेसिटी है वो सिर्फ एट लीटर है और ये जो बाकी के टू लीटर है और क्योंकि ये BS6 है है तो तो इसमें भी ऑफकोर्स फ्यूल पंप वो वो जो लास्ट के मोस्टली आप ना यूज करें तो ये अच्छा होगा उस हिसाब से फाइव सिक्सटी किलोमीटर का इसका टैंक रेंज है और इसका जो एक खास पॉइंट मुझे लगा की एट न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है वो सिर्फ फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड आरपीएम पे ये प्रोड्यूस करती है तो इससे हम ये समझ सकते हैं

सो so, मेरे हिसाब से प्लैटिना ज़्यादा अच्छा डील है वन थाउजेंड ज्यादा डाल के आपको डिस्क मिल रहा है एक्स्ट्रा गेयर मिल रहा है ज़्यादा टैंक रेंज भी मिल रही है और ज़्यादा पावर भी मिल रहा है सो so, उस कैटेगरी में बजाज प्लैटिना काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और अगर आपके पास अराउंड एटी सिक्स है तो मुझे स्प्लेंडर ज़्यादा अच्छा डील लग रहा है और अगर आपका बजट अराउंड नाइन्टी से नाइन्टी है तो मेरे हिसाब से पल्सर वन आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी देगा आ, बस वही एक प्रॉब्लम है उसकी वन हंड्रेड का उसका वेट यही था आज के वीडियो में हमारा टॉपिक कि हमारी बेस्ट बाइक कौन सी है हर एक बजट में सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो कंसिडर कर रहे हो अगर इस बजट में कोई बाइक खरीदने का थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम